जय जोहार संगवारी हो तो संगवारी हो, हमारे यूट्यूब चैनल चुल्लू सीजी ब्लॉग में जम्मो संगवारी माला स्वागत है। तो संगवारी हो, आप सब कैसे हो? उम्मीद करत हन कि आप सब अच्छा होइया और स्वस्थ होइया और मस्त हो गया। तो संगवारी हो, फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में जम्मो संगवारी माला स्वागत है ना। तो संगवारी हो, यहाँ का नज़ारा और यहाँ का बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार का है। देख सकते हैं पीछे साइड कुछ इस प्रकार का है और इस साइड जो है तालाब वगैरह है ना। और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है ना। तो संगवारी हो, आज का इस ब्लॉग वीडियो में ऐसा तरीका बताने वाला हूँ आज से किसी ने नहीं बताया है, वो विधि है ना। तो वो विधि किस प्रकार का होता है और कैसे किया जाता है, मेरे इस ब्लॉग वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा विधि है और इस विधि क्या प्रयोग आने वाला है। तो संगवारी हो, वो विधि है पीपल पत्ता से। आप लोग किसी भी व्यक्ति का यदि कान अंदर से पका हुआ है और या दर्द हो रहा हो तो उसके लिए नुस्खा बताने वाला हूँ आज का इस ब्लॉग वीडियो में है ना। क्योंकि हमारे पूर्वज लोग ये विधि करते हुए आ रहे हैं और हम भी इसी विधि से आज यदि हमारा किसी भी मेरा हो या किसी भी हमारे फैमिली परिवार या सदस्य में किसी भी का यदि कान पका हुआ या कान से दर्द हो रहा हो तो उसको कैसे चंद मिनटों में ठीक किया जाता है ना। तो वो कौन सा पीपल पत्ता है, सभी लोग जानते हैं कि पीपल का पत्ता जो है सभी लोग जानते हैं ना। लेकिन क्या है कि बताने वाला और विधि करके दिखाने वाला बहुत कम है और आजकल जानते ही हैं YouTube में तरह तरह का वीडियो बना रहे हैं जंगली जड़ी बूटी लेकर। तो ऐसा विधि और ऐसा तरीका आज किसी ने नहीं बताया है, ये विधि है ना। और ये विधि मेरे पूर्वज के सभी लोग ये विधि करते हुए आ रहे हैं। तो आज सभी लोगों को इस ब्लॉग के वीडियो के माध्यम से सभी मेरे YouTube जितने मेरे YouTube फैमिली हैं और आने वाला भी मेरे YouTube सदस्य हैं सभी लोगों को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्कार। और वो विधि कौन सा है और पीपल का पत्ता कैसे तोड़ा जाता है तो चलिए मैं तोड़कर बताता हूँ आप सभी लोगों को है ना। और दिखा रहा हूँ उस पीपल का पत्ता जो है किस प्रकार का होता है और देखे हैं जानते भी हैं कि पीपल पत्ता कहाँ पर होता है और कैसा होता है। तो ध्यान रहे, परजीवी पीपल पत्ता होना चाहिए है ना। ये नहीं कि ज़मीन से उगा हुआ पीपल पत्ता तोड़ लिए और मैं जिस विधि से बताऊंगा उस विधि से आप लोग करेंगे। तो विधि को आप लोग आराम से समझिए और आराम से सुनिए कि उस विधि को कैसे मैं कर रहा हूँ है ना। तो पहले तो दिखा दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, वो पीपल का पत्ता कुछ इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं पीपल का पत्ता सभी लोग जानते हैं पीपल का पत्ता जो है कुछ इस प्रकार का होता है। और ध्यान रहे कि पीपल हर जगह मिल जाता है ना, गांव देहात शहर हर जगह मिल जाता है। ज़मीन से जो उगा हुआ हो वो पीपल का पत्ता नहीं चाहिए हम लोगों को, ऐसा ही पीपल का पत्ता होना चाहिए। देख सकते हैं परजीवी जिसको दूसरे पेड़ से आश्रित है ऐसा पीपल का पत्ता चाहिए हम लोगों को। तो देख सकते हैं और इसका तोड़ने का विधि आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। अपना सांस जो है उसको बंद कर लेते हैं, 7 पत्ता तोड़ना है संगवारी हो। यदि 7 पत्ता तोड़ते हुए सांस अपना सांस बंद कर लेना है ना। तो चलिए मैं तोड़ लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं अपना सांस अभी बंद कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं 7 पत्ता तोड़ा हूँ और कैसा विधि है इसका आगे मेरे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। मैं चलता हूँ घर और इसका विधि करके आप लोगों को बताता हूँ
यदि किसी व्यक्ति का कान पका हुआ हो उनके लिए ये विधि जो है करके दिखाऊंगा और आप भी करिएगा। आप अवश्य कान का पका हुआ या कान का दर्द जो है दूर होता है ना। तो चलिए वीडियो में आप लोग सभी लोग बने रहिए, मैं चलता हूँ घर, घर जाके फिर आप लोगों को ये विधि करके दिखाऊंगा है ना। तो तोड़ लिया हूँ, अपना सांस बंद कर लीजिएगा और इसी तरीका से तोड़ लीजिएगा और देख सकते हैं पीपल का जो पेड़ होगा परजीवी होना चाहिए। यदि ज़मीन से उगा हुआ हो उस पीपल का पत्ता को उपयोग ना करें, ऐसा ही परजीवी पीपल का पत्ता होना चाहिए, तभी प्रयोग कर सकते हैं और तभी काम आ सकता है ना। तो चलिए मैं चलता हूँ अब घर, घर जाके इस विधि को करके आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ अपना घर के पास, तो देख सकते हैं घर का आसपास का नज़ारा कुछ इस प्रकार का अभी का मौसम दिख रहा है और अभी का नज़ारा है ना। तो चलिए वो विधि किस प्रकार का है वो विधि करके आप लोगों को बताता हूँ। तो मेरे इस संगवारी हो, चलिए वो विधि करके आप लोगों को मैं बताता हूँ है ना। तो देख सकते हैं पीपल का पत्ता जो है ले लिया हूँ और कुछ इस प्रकार का इसका जो डंटल है उसको बांध लीजिएगा रस्सी से। तो बांध लेते हैं हम रस्सी से अच्छे तरीका से, इसी प्रकार का बांध लीजिएगा ताकि वो दवा जो है कान में लगाने के लिए इसी में निकलेगा। हाँ तो इसका विधि और इसको जो है इस प्रकार का मोड़ कर रखिएगा है ना, कुछ इस प्रकार का। देख सकते हैं इसी प्रकार का मोड़ लीजिएगा और यहाँ को मैं सील लेता हूँ है ना। तो संगवारी हो, देख सकते हैं इसी प्रकार का बना लीजिएगा, देख सकते हैं है ना। इसका जो पत्ता से नीचे का जो हिस्सा है डाल टाइप का उसको नीचे कर लीजिएगा और इसी प्रकार का बना लीजिएगा है ना। और ले लीजिएगा जलता हुआ आग का कोयला, देख सकते हैं ये बहुत जल रहा है अभी। तो इसको यहाँ मैं इसको डालूँगा है ना। तो देख सकते हैं इस प्रकार का जलता हुआ कोयला रख लिए हैं, अब हम इसमें फूंक मारेंगे है ना। तो इसी प्रकार का आप भी बना लीजिएगा और इसमें फूंक मारेंगे हम अभी। तो चलिए कुछ समय लग सकता है इसमें जो दवा निकलेगा वही दवा को कान में लगाते हैं है ना। तो चलिए इसका जो दवा निकलेगा ना, इसका जो दवा है वो यहाँ से निकलेगा, तो चलिए निकाल कर देखते हैं है ना। कुछ समय लग सकता है, तो मेरे इस ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। और देखिएगा तब तक इसको फूकिएगा जब तक यहाँ से दवाई ना निकले, तब तक फूकिएगा है ना। तो कुछ समय लग सकता है, तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा है ना। तो देख सकते हैं काफ़ी टाइम मेरे को इसको फूंक लगाते हुए हो चुका है, अब इसमें पानी आना चालू हो चुका है। कान के अंदर यदि पका हुआ है तो कान के अंदर लगा सकते हैं इसी पानी का। तो देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार नहीं पकड़ सकते हैं तो चिमटा ले लेंगे है ना, चिमटा से ऐसे करके चिमट लेंगे और फूंक लगाएंगे और इसमें जो पानी निकलेगा ना वही पानी को पका हुआ है तो कान में लगा सकते हैं और दर्द रहेगा तो आराम आराम से इसको मालिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं फूंक लेता हूँ, कुछ ही समय और बचा है, बस निकलने वाला है पानी। तो दिखाता हूँ आप सभी लोगों को, इसी तरह फूंक लगाइएगा तो देखिएगा इसमें निकलेगा धीरे से पानी।
और इसी प्रकार का आप भी बना लीजिएगा। और पानी दिखा दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, कहे कि पानी जो इसका निकला हुआ है कितना निकला हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं निकला हुआ है, लेकिन इसी तरह रोज कम से कम 3 दिन इसका प्रयोग करिएगा, अवश्य कान का जो पका हुआ जरूर सूख जाएगा, छूट जाएगा। और कान में दर्द है तो हल्का हल्का लेप करिएगा, है ना, मालिश करिएगा। तो देख सकते हैं इसका पानी कुछ इस प्रकार का निकला हुआ है, अभी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं साल का जो साल का पत्ता जो है ना, उसमें मैं अभी झोंक कर दिखाया हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हैं पानी कुछ इस प्रकार का पानी होता है, ये देख सकते हैं है ना, इस प्रकार का देख सकते हैं आप लोगों को, कैमरा में दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इसी प्रकार का पानी निकाल लीजिएगा। और इस पानी को जो है अपना कान के अंदर में डालिएगा, कुछ इस प्रकार का करिएगा, है ना, इस प्रकार का। और कान में दर्द है तो इस प्रकार का मालिश करिएगा, इस प्रकार का, और अंदर में डालिएगा इसका जो पीपल का पत्ता से जो आग डालकर इसमें फूंक लगाइएगा और इसमें निकलेगा पानी, देख सकते हैं, है ना, यही जो पानी है। यदि किसी व्यक्ति का कान पका हुआ है तो ये विधि अवश्य करके देखें, 3 दिन में गारंटी के साथ कहता हूँ कि 3 दिन में उसका कान का जो पका हुआ 3 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर ये विधि करके देखेंगे, अवश्य देखेंगे, हम लोग गांव से हैं तो हमारे दादा पर ज़्यादा लोग इसी चीज़ का उपयोग करते थे, और यदि कान पका हुआ रहता था तो ऐसा ही बना के फूंक लगाते थे, इसमें आग का अंगरा डाल के। और इसमें अभी आप लोगों को दिखा ही दिया हूँ कि इसमें पानी किस प्रकार का निकला हुआ है, और ये पानी जो है अपना कान के अंदर डालेंगे, पका हुआ स्थान पर ये जो दवा है पहुँचेगा, अवश्य पका हुआ कान ठीक हो जाएगा, है ना। लोग भी गांव से हो या शहर से हो तो इसका विधि और इसका प्रयोग अवश्य करके देखें। तो संगवारी हो, आज का इस ब्लॉग वीडियो में आप सभी लोगों को कैसे इसमें पानी निकाला जाता है और उस पानी को कान में उपयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को बता ही दिया हूँ, है ना। तो संगवारी हो, आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक, और YouTube चैनल में नए होंगे तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करे ले धन बोलूँ। और मैं दुलारला बनाया रहूँ संगवारी हो, तो आज का ब्लॉग यही तक एंड करते हैं, फिर मिलब अगला ब्लॉग वीडियो में संगवारी हो, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाय बाय संगवारी हो।